सभी भाई और बहनों का मैं प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ। आप लोग जब से बैठे हुए हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि एक प्रकार का पतंगा यहाँ पर उड़ता हुआ आ रहा है। इसके बारे में दो तीन बातें अपन लोग जानते हैं। पहली बात, बरसात का सीज़न लगभग ख़त्म होने को जब आता है, तब सारे हिंदुस्तान में हर इलाके में अपन इसको देखते हैं। हिंदी में इसको पतंगा कहा जाता है और हर कोई जानता है कि इसका जीवन क्षण भंगुर होता है, थोड़े से समय के लिए होता है। केरल में एक्चुअली पानी का एक सीज़न समाप्त हो गया, दूसरा चालू हो चुका है। इस कारण ये यहाँ पे प्रकट हुआ है। मैं ये मना रहा था कि हे प्रभु, आज पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जब ये आते हैं और यदि खिड़कियाँ खुली हैं और यदि पर्दे ना हो, नेट ना हो, तो ये हजारों की संख्या में अंदर आ जाते हैं, फिर बैठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब मैं इनको देख रहा था, तब एक और बात मन में आई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन उसके पहले, आज पहली बार इस सभा में जितने भाई और बहन उपस्थित हुए हैं, मैं प्रभु यीशु के नाम में उन सब का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे। हम में से ज़्यादातर लोग अपने घर बार को छोड़कर, अपने भाई बहनों को छोड़कर, नाते रिश्तेदारों को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर यहाँ केरल इसलिए आए हैं कि कुछ रोजी रोटी का इंतजाम हो। अपन जानते ही हैं कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी ज़रूरत रोटी, कपड़ा और मकान की है, और इसीलिए हम सब लोग अपने घर बार को छोड़कर इतने दूर आए हैं। लेकिन जो लोग घर बार छोड़कर इतने दूर आए हैं, उनको मैं हर हफ्ते याद दिलाता हूँ कि हम सब के लिए ये ज़रूरी है कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ एक बात और होनी चाहिए। हमारी सृष्टि जिस प्रभु ने की है, जिस सृष्टा ने की है, उस सृष्टा के साथ हमारा आपसी रिश्ता भी होना चाहिए। आप कहेंगे सृष्टा और सृष्टि, इन दोनों में आपसी रिश्ता कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और उसके बारे में काफ़ी विस्तार से हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं। लेकिन उस ओर मुड़ने से पहले मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि आज जो कीट पतंगे बरसात के इस अंत में उड़कर यहाँ आए, और क्षण भर उड़ने के बाद उनके सारे पंख टूट कर गिर गए, बस अब वो ज़मीन पर रेंग रहे हैं। कई ऑलरेडी मर चुके हैं, कई क्षण भर में मर जाएंगे। इसके बारे में हिंदी में एक कहावत है, चींटी की जब मौत आती है तो उसके पर निकल जाते हैं या पर आ जाते हैं। अन्य उत्तर भारतीय स्टेट्स में इसके तुल्य क्या कहावत है ये मुझे नहीं मालूम। ये एक्चुअली चींटी नहीं है, लेकिन देखने में चींटी समान यह प्राणी, इसको देखें तो चींटी समान देखने में लगता है यह प्राणी। इस कारण यह कहावत है कि चींटी की जब मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। लेकिन आज बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि इस बात का संबंध मेरे आपके जीवन से भी है, मेरे आपके जीवन से बहुत अधिक संबंध है। क्यों? इसलिए कि जब मनुष्य के जीवन में मुसीबत आती है, तब तो वो प्रभु को बहुत याद करता है, ईश्वर को बहुत याद करता है। लेकिन यदि जीवन में सब अच्छा चल रहा हो, तब कई बार मनुष्य अपनी मनमानी करने लगता है। इसी के बारे में तो कबीरदास जी कह गए कि दुख में सुमिरन सब करे, मतलब दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न कोई। जब सुख हो तो ईश्वर को स्मरण नहीं करता है। आगे उन्होंने लिखा है,
सुख में सुमिरन करे तो, सुख में यदि प्रभु को स्मरण करे तो दुख काहे को होए। आज इस सभा में जितने लोग आए हैं, पता नहीं आपके जीवन की किस स्थिति से आप गुजर रहे हैं। हो सकता है दुख की स्थिति से होकर गुजर रहे हों, और यदि ऐसा है तो आप ईश्वर को याद कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अच्छी लगी लगाई नौकरी है, लगी लगाई तनख्वाह है, और नौकरी की गारंटी है कि फिलहाल कोई परेशानी नहीं होगी, और यदि स्थिति ऐसी है तो इस बात की संभावना है कि आप मनमाना घूम फिर रहे हैं और प्रभु को अपने जीवन में बिल्कुल सेकेंडरी, बहुत छोटा सा स्थान दे रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ आज शाम को कि मनुष्य के लिए, यदि मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन सार्थक हो जाए, मतलब यदि मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन अर्थ से भर जाए, यदि उसके जीवन में कोई अर्थ हो, मतलब हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने सृष्टा ईश्वर से संगति रखे। फिर से आप पूछेंगे, शास्त्री सर ये कैसे हो सकता है? मुझे ज़रा बताइए, ऐसा कौन व्यक्ति है यहाँ पर जिसने मुसीबत के समय अचानक हे प्रभु मेरी मदद करना, कौन है जिसने ऐसा नहीं बोला है? अपन कितने ही बसों में, ट्रकों में लिखा हुआ देखते हैं, हे प्रभु एक तेरा ही आसरा। मतलब मनुष्य चाहे कितना भी स्मार्ट हो जाए, कितना भी बुद्धिमान हो जाए, कितना भी धनी हो जाए, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, लेकिन जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वो इस बात को पहचानता है कि हे प्रभु बस एक आपका ही आसरा है या आपका ही आश्रय है, और यदि मेरा जीवन सही रीति से चलना है, मेरे जीवन में मुझे जो मिलना है वो यदि मिले तो वो तभी मिल पाएगा जब प्रभु आप पर आश्रय रखेंगे और आप हमारी मदद करेंगे। पिछले हफ्ते मैंने आपको ये बात याद दिलाई थी कि सहस्त्रों साल पहले जब मानव जाति की सृष्टि हुई, मानव राशि की सृष्टि हुई, तब मानव निष्कलंक था, निष्पाप था, लेकिन अपने स्वयं की गलतियों से हमारे आदि पिता, हमारी आदि माता सही रास्ते से गलत रास्ते पर चले गए। तब प्रभु ने ये प्रॉमिस किया था, ये वचन दिया था कि मैंने मनुष्य की सृष्टि नाश होने के लिए नहीं है, बल्कि शाश्वत जीवन पाकर शाश्वत काल तक अपने सृष्टा के साथ रहने के लिए की है, और इस कारण मैं इस संसार में एक मुक्तिदाता को भेजूंगा, एक उद्धारकर्ता को भेजूंगा जो देहधारी ईश्वर होगा। आज से 2000 साल पहले ये घटना हुई जब अचानक यहाँ से भारत से मध्य पूर्व की तरफ की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर एक भक्त कन्या अपने कमरे में बैठी हुई थी, तब अचानक एकदम से प्रकाश हुआ, ऐसा प्रकाश जो मनुष्य ने कभी नहीं देखा है। प्रकाश देख के जब वो एकदम से डर गई, तब एक व्यक्ति ने जो कि एक स्वर्गदूत था, उसने कहा डरो मत, मैं प्रभु की ओर से भेजा गया एक स्वर्गदूत हूँ, और मैं तुमको ये बात बताने के लिए आया हूँ कि बहुत जल्दी ही तुम्हारे गर्भ में एक व्यक्ति आने वाला है जो देहधारी ईश्वर होगा, प्रभु मनुष्य रूप धारण करके तुम्हारे द्वारा जन्म लेंगे, इस संसार में मनुष्यों के समान रहेंगे, मनुष्यों के समान खाएंगे पिएंगे, लेकिन वो देहधारी ईश्वर होंगे जो मनुष्य के लिए अपना जीवन सूली पर प्रायश्चित या बलिदान के रूप में अर्पित करेंगे। ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ
ये आज से 2000 साल पहले ये घटना हुई थी मध्य पूर्व में, और जब प्रभु के दूत ने उस भक्त कन्या को ये बात बताई, कुछ समय के बाद उसको ये बात पता चली कि मैं गर्भवती हूँ। प्रभु ने स्वयं कहा था, दूत ने स्वयं कहा था कि ये मनुष्य के कारण नहीं है, ये ईश्वर का अद्भुत कार्य है। और प्रभु ने उसके साथ साथ एक बात और बताई थी, उसका नाम रखना यीशु। ये इब्रानी भाषा का नाम है, हर भाषा में वही नाम बदलते चले जाते हैं। जब मध्य पूर्व से वो हिंदुस्तान आया तो उत्तर भारत में उसी नाम को लोगों ने उत्तर भारतीय तरीके से उसका उच्चारण किया, ईसा। जब वही नाम यहाँ दक्षिण भारत या केरल आया तो दक्षिण के लोगों ने उसी नाम का उच्चारण किया, यीशु। तो चाहे यीशु हो, ईसा हो, ये सब एक ही व्यक्ति के नाम है। और आज मैं आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूँ वो प्रभु ईसा के या प्रभु यीशु के जीवन की एक घटना है। इस घटना का प्रारंभ या पूर्वार्ध मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को बताया था कि जब प्रभु यीशु या ईसा 30 साल के हुए तब उनको ये बात बोध, इसका बोध हुआ कि अब मेरा सेवा काल आ गया है, और इसलिए वे घर बार को छोड़कर निकल पड़े जन जन को प्रभु के बारे में बताने के लिए, लोगों को प्रभु की तरफ बुलाने के लिए, और लोगों को ये उपदेश देने के लिए कि अपने जीवन में तुम जो कर रहे हो यह सब छोड़ दो, मन बदल दो, तुम्हारे मन में तुम्हारे कर्मों के प्रति प्रायश्चित या पश्चाताप होना चाहिए। ईसा या प्रभु यीशु इस तरह से घूम घूम कर अपने आसपास के लोगों को ये शिक्षाएं दे रहे थे, तब 12 लोगों को देखकर उन 12 को अलग अलग समय पर बुलाया, आओ मेरे साथ आओ, मैं तुमको अपना शिष्य बनाऊंगा, मैं तुमको शिक्षा दूंगा, वह शिक्षा जिसके द्वारा तुम लोगों के जीवन को बदल सकोगे, रूपांतर कर सकोगे। यही तो हम में से हर कोई चाहता है। ये 12 शिष्य प्रभु के साथ हो लिए, और इस तरह से प्रभु हर जगह घूम घूम कर अपनी शिक्षाएं देने लगे। प्रभु इतना व्यस्त रहते थे, उसके बारे में लिखा है कि कई बार उनको खाने पीने के लिए भी समय नहीं मिलता था। उस समय उस प्रदेश में बहुत सारे महापंडित लोग थे, उसमें से एक महापंडित प्रभु के दर्शन करना चाहता था, प्रभु से बातचीत करना चाहता था। लेकिन उस महापंडित के साथ परेशानी क्या थी कि वे शास्त्रों के महान पंडित थे, साथ साथ मध्य पूर्व में वहाँ जो यहूदी लोग रहते थे उनके बीच में एक रूलर भी थे, एक सरदार भी थे या एक शासक भी थे। तो एक तरफ से धर्म के पंडित, दूसरी तरफ से जनता के शासक, समय नहीं मिल पाता था। तीसरी ओर प्रभु से दर्शन करने के लिए पहुँचो तो प्रभु को कभी देख ही ना पाया, इतनी भीड़ रहती थी। तो पिछले हफ्ते मैंने इस घटना का पूर्वार्ध आपको बताया था कि किस तरह से वो शासक, वो विद्वान जिसका नाम था निकुदेमुस, वो रात के समय प्रभु से मिलने आए, क्योंकि उसको भी फुर्सत तभी मिल पाती थी और तभी प्रभु से मुखामुख बात हो सकती थी। निकुदेमुस प्रभु यीशु के पास वो महापंडित पधारे। उस महापंडित के मन में प्रश्न ये था कि मैं इस संसार में आ गया हूँ, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि इस जीवन के बाद भी एक जीवन है, आया है सो जाएगा। हर समाज में, हर युग में, हर भाषा का बोलने वाला इस बात को जानता है कि जो एक बार इस संसार में आया है उसे जाना ही होगा। इस विद्वान को तो ये बात और भी स्पष्ट पता थी, जब मेरे आपके समान आम लोगों को
ये बात स्पष्ट है, हम जानते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। तो जो महापंडित था वो तो इस बात को जानता ही था। इस महापंडित के मन को एक बात बुरी तरह से झकझोर रही थी और वो बात ये थी, हे प्रभु मैं आ गया हूँ, मैं जो करना है शास्त्रों में जो लिखा है वो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में इस बात का यकीन नहीं है, इस बात का विश्वास नहीं है कि मैं सही जगह पर जाऊंगा। जब वे महापंडित प्रभु के पास पहुंचे तो एकदम से विषय स्टार्ट करने के बदले उन्होंने इधर उधर की बातें कहीं देखी। कितना भी बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, जब वो सृष्टा के सामने खड़ा हो जाता है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। प्रभु इस बात को जानते थे कि इस विद्वान के मन में क्या बात है, इसलिए प्रभु ने उस विद्वान को बताया एकदम से कि देखो, मनुष्य को एक और जन्म की जरूरत है। जब इस महान विद्वान ने बात सुनी तो उनकी स्थिति यह थी कि आसमान से गिरे खजूर में अटके, मतलब हमको समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करना है। और अब प्रभु ने कह दिया है कि दोबारा जन्म लेना, हमने अपने सारे जीवन में किसी भी व्यक्ति को दोबारा जन्म लेते हुए नहीं देखा है। ये सारा जो चरित्र मैं आपको बता रहा हूँ ये पवित्र बाइबल में यूहन्ना नामक एक ग्रंथ है। पवित्र बाइबल में कुल मिलाकर 66 छोटे बड़े ग्रंथ हैं, जिनमें 4 ग्रंथ प्रभु यीशु के बहुत ही क्लोज अनुयायियों ने लिखे थे। इनमें से चौथा ग्रंथ प्रभु के अभिन्न शिष्य यूहन्ना नाम के व्यक्ति ने इस ग्रंथ की रचना की थी। उसके तीसरे अध्याय में हम इस घटना को देखते हैं और पिछले हफ्ते हमने तीसरे अध्याय से कई बातें पढ़ी थीं। उसके चौथे श्लोक में या चौथे पद में हम देखते हैं महापंडित निकोदेमुस ने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया है तो वो कैसे जन्म ले सकता है। इससे 2-3 बातें अपन समझ सकते हैं। पहली बात कि ये विद्वान अच्छी खासी उम्र के थे, कम से कम 50 के ऊपर के तो रहे होंगे, जिससे कि वो कह सके कि मनुष्य बूढ़ा हो गया है। तो दूसरा प्रश्न ये था, हे प्रभु आप क्या बात कर रहे हैं, मैंने तो सिर्फ एक बात देखी है, मनुष्य पैदा होता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है, चला जाता है, लेकिन दोबारा जन्म जैसी बात प्रभु मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखी। सही बात है, यदि मैं और आप उस महान पंडित की जगह पे होते तो हम भी यही पूछते, हे प्रभु जन्म लेते हुए तो मैंने बहुत देखा है, यहां से जाते हुए बहुत देखा है, लेकिन आप कह रहे हैं दोबारा जन्म लेना, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो कभी नहीं देखा है दोबारा जन्म लेते हुए। सही प्रश्न था, प्रभु ने इसका उत्तर दिया था। हमने पिछले हफ्ते उस उत्तर का अध्ययन आरंभ किया था, उसके बारे में आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपस में बात कर रहे थे बहुत सारी बातें, उसमें एक बात जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ वो 16वें पद में या 16वें श्लोक में मिलता है। ये एक ऐसा कथन है जो इसके पहले मैं कई बार आपके सामने रख चुका हूँ। वहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि शाश्वत जीवन पाए। इसकी व्याख्या 18वें श्लोक में हम देखते हैं, या 18वें पद में, उसको भी जरा पढ़ लें। 18वें पद में हम देखते हैं, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। क्या मतलब? प्रभु के कहने का मतलब यह था, देखो तुम एक विद्वान हो और इस कारण तुम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हो कि जो इस संसार में आया है वो जाएगा। मनुष्य का सहस्त्रों साल का इतिहास उठाकर देख लें, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका जीवन शाश्वत रहा हो।
सौ, 110 या 120, वो भी 120 तक कोई व्यक्ति तब जी सकेगा जब एक अच्छे खाते पीते परिवार में जन्म लिया हो, बचपन से साफ सुथरे आदत हो, खूब पर्याप्त एक्सरसाइज करता हो और जीवन भर उसने सात्विक भोजन खाया हो, तब उसकी उम्र इतनी लंबी होती है। लेकिन चाहे कोई कितना भी व्यायाम कर ले, कितना भी सात्विक भोजन कर ले, अच्छे से अच्छे वैद्यों को रख कर इलाज करवा ले, अच्छे से अच्छा टॉनिक खाए पिए, लेकिन 120 से ज़्यादा सामान्यतया कोई भी नहीं रह पाता है। प्रभु के कहने का मतलब ये था, देखो ये बात तुम समझते हो, आज मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि पहला जो जन्म तुम्हारा हुआ था वो सांसारिक जन्म था, शारीरिक जन्म था। आज मैं तुमसे जिस जन्म की बात कर रहा हूँ, मैंने जिस नए जन्म की बात कही थी, वो आत्मिक जन्म है। इस बात को तो अपन समझ सकते हैं, मनुष्य ना केवल शरीर है, मनुष्य आत्मा भी है, मनुष्य मन भी है। आपने अपने जीवन में इसका अनुभव किया होगा, जब बहुत ज़्यादा बीमार, बहुत ही ज़्यादा किसी तरह की मानसिक परेशानी में जब आप पड़े हुए हैं, शरीर दर्द कर रहा है, आपको लग रहा है कि हम तो अभी ख़त्म हो जाएंगे, एक डॉक्टर आके आपको, जो बड़े से बड़ा डॉक्टर आके देखता है, वो कहता अरे ये तो कोई बात नहीं है, ये तो बहुत एक सामान्य सी दवा है, इसको सुबह शाम, आज सुबह शाम दे दो और कल ये घोड़े के समान दौड़ने लगेगा। ये सुन के मन में खुशी होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती है। खासकर यदि बीमारी के कारण आपकी नौकरी में परेशानी आ रही है, पढ़ाई में परेशानी आ रही है, तो जब डॉक्टर कहता है कि 24 घंटे में ये घोड़े के समान सरपट भागने लगेगा, मन को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, मुझे तो पड़ चुका है, मैं जीवन में कई बार देख चुका हूँ। आपका शरीर बदल गया क्या? नहीं बदला, शरीर अभी भी बीमार है, लेकिन आपका मन एकदम से ये बात सुन के खुश हो गया, स्वस्थ हो गया, मन को एक नया जीवन मिला। तो हम सब इस बात को जानते हैं कि किस तरह से मन को एक नया जीवन मिल सकता है। आज प्रभु यहाँ कहते हैं कि मैं जिस नए जन्म की बात कर रहा हूँ, ये आत्मा का नया जन्म है। मनुष्य ना केवल शरीर है, हम सब इस बात को जानते हैं कि मनुष्य आत्मा है, हम इस बात को जानते हैं कि ये नश्वर शरीर धूल और मिट्टी में मिल जाएगा, पूरी तरह से विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है, आत्मा नहीं मरती है। आत्मा को इस बात का हिसाब देना पड़ेगा कि शरीर में रहते समय मैंने किन बातों का चुनाव किया था। उस आत्मा के बारे में प्रभु के कहने का मतलब है कि उस आत्मा को एक नए जन्म की जरूरत है। इस बात को सुनकर उस महाविद्वान को इतनी तो बात समझ में आ गई कि प्रभु यहाँ पर दोबारा शरीर से जन्म लेने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शरीर में दोबारा जन्म जैसी कोई बात नहीं होती है। हाँ, आत्मा में हो सकता है ऐसी बात हो, इसलिए वो विद्वान बैठकर प्रभु की बात सुनते रहे। तब प्रभु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसका रूपांतर हो जाता है, अब उसको दंड नहीं मिलेगा। यहाँ कई सारे स्टेटमेंट आगे पीछे हुए हैं, उन सबको एक साथ जोड़कर देखें। 3:16 में लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि शाश्वत जीवन पाए। यहां प्रभु ने कहा जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। इन सारे स्टेटमेंट्स को, ये जितने कथन हैं, इन सबको एक दूसरे के साथ जोड़कर सही क्रम से बैठा कर, जैसे पजल होता है ना, उसके सारे टुकड़े जब आ जाते हैं तब चित्र एकदम से दिखाई देता है। जो चित्र
उस विद्वान के सामने उस दिन प्रकट हुआ, और जो चित्र मुझे आपको समझना चाहिए वो ये है। मैं उसका सारांश आपको बताता हूँ, वो ये है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जरा ध्यान से सुन ले। सारांश ये है कि जब प्रभु ने सहस्त्रों साल पहले मनुष्य के आदि माता आदि पिता की सृष्टि की थी, तब प्रभु ने उनकी जो जरूरत है सब जरूरतों की पूर्ति की थी, लेकिन मनुष्य ने अपने स्वयं के चुनाव से ईश्वर से हटकर पापी बनकर प्रभु के साथ जो संगति हो सकती थी उस संगति को खो दिया। लेकिन जिस तरह से प्रभु ने प्रॉमिस किया था उसके अनुसार आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु या ईसा मध्यपुर के एक परिवार में मनुष्य रूप में ईश्वर देहधारी होकर पधारे, और उन्होंने अपने शिष्यों को ये बात बताई कि देखो मैं 3-3.5 साल तुम्हारे साथ रहूँगा, कोई लंबा पीरियड नहीं है, कोई लंबी अवधि नहीं है, लेकिन उसके बाद मैं सूली पर अपना जीवन तुम्हारे लिए बलिदान के रूप में दूंगा। और जैसा प्रभु ने कहा था एग्जैक्टली उसी तरह से प्रभु को, जो निर्दोष थे, जिन्होंने कभी किसी से कोई बुरी बात नहीं की थी, जिन्होंने जीवन में हमेशा भलाई की थी, उनको पकड़कर जलन के कारण झूठे गवाह खड़े करके सूली पर चढ़ा दिया गया। प्रभु ने कहा ये मेरे पिता की इच्छा है, ये कोई अनजान अपने आप नहीं हुई, मैं अपने पिता की इच्छा के अनुसार इस सूली पर अपना बलिदान करने के लिए आया हूँ। प्रभु ने लेकिन एक बात और कही थी, मेरी सूली पर जब मृत्यु हो जाएगी उसके 3 दिन 3 रात के बाद मैं पुनर्जीवित हो जाऊँगा। तो जिन लोगों ने धोखे से उनको सूली दी थी वे तो और डर गए कि अब क्या होगा, इसलिए सूली से उतार कर जब उनको दफना दिया गया तो वहाँ तो बाकायदा 2400 घंटे पहरा लगा दिया। लेकिन जब 3 दिन बीत गए तो अचानक वहाँ पर सूर्य के समान प्रकाश हुआ, प्रभु कब्र से बाहर आ गए, जो सैनिक वहाँ थे सबके सब अचेत हो गए, कुछ नहीं कर पाए। इस तरह से प्रभु ने अपनी मृत्यु के 3 दिन के बाद, 3 दिन और 3 रात के बाद पुनर्जीवित होकर अपने शिष्यों को दर्शन दिया। सिर्फ दर्शन नहीं दिया, 40 दिन तक वे अपने शिष्यों को दर्शन देते रहे, शिक्षाएं देते रहे। 40 दिन के बाद अपने शिष्यों के देखा देखी एक पहाड़ के ऊपर से प्रभु का स्वर्गारोहण हुआ। स्वर्गारोहण होने के बाद स्वर्गदूतों का एक काफिला स्वर्ग से उतर कर नीचे आया और उनसे बोला कि सुनो, जिस तरह से प्रभु तुम्हारे सामने स्वर्ग पधार गए उसी प्रकार वे वापस आएंगे। लेकिन जाने से पहले प्रभु ने एक बात और कही थी, सूली पर मैंने मनुष्यों के लिए अपना जीवन बलिदान के रूप में अर्पित किया, इसलिए जो भी व्यक्ति मुझ पर विश्वास करेगा, जो मेरे पास आएगा मुझ पर विश्वास करके, मेरे बलिदान को ग्रहण करके, जो मुझसे क्षमा मांगेगा मैं उसको क्षमा प्रदान करूंगा, मैं उसको शाश्वत जीवन प्रदान करूंगा, उसके जीवन में ऐसा रूपांतर आएगा जो इस दुनिया में कोई भी ताकत कोई भी शक्ति नहीं दे सकती है। मेरे प्रिय भाइयों, आज से कई दशक पहले एक बार मैंने अपने पिताश्री से ये प्रश्न पूछा, स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने मुझसे एग्जैक्टली यही बात कही जो मैं आज आपको सुना रहा हूं। प्रभु यीशु ने सूली पर मेरे आपके लिए अपने जीवन बलिदान के रूप में दिया। जो भी प्रभु के पास जाकर कहता है प्रभु मैं पापी और लाचार हूं, मैं जानता हूं कि सूली पर आपने मेरे लिए अपना जीवन बलिदान किया और इस कारण मुझे मेरे पापों से क्षमा कीजिए, प्रभु उस व्यक्ति को क्षमा करेंगे, उसके पापों को क्षमा करके उसको शाश्वत जीवन प्रदान करेंगे। इस शाश्वत जीवन को मैंने पाया, उसके कारण मेरे जीवन में एक विशेष खुशी है। आज शाम को इस संध्या को मैं आपके सामने खड़े होकर ये बातें आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मेरी इच्छा है कि मेरे जीवन में
जो शाश्वत जीवन मुझे मिला है, मेरे जीवन में जो खुशी मिली है, वो आप में से हर व्यक्ति के जीवन में आ सके। आज इस शाम को इस सभा में जितने लोग एकत्रित हुए हैं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस शाश्वत जीवन को पाया है। इस सभा के बाद यदि आप उन लोगों से पूछेंगे तो वे इस शाश्वत जीवन के बारे में आपको बताएंगे। आज शाम को मेरा अनुरोध है कि यहाँ जितने भाई और बहन एकत्रित हुए हैं, इनमें से कोई भी व्यक्ति इस शाश्वत जीवन को पाए बिना यहाँ से घर न जाए। एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये जो कीट पतंगे कितने उत्साह के साथ उड़ते हुए आज शाम को इस हॉल में आए थे, कितने समय वो जिंदा रहे, उसको हिंदी में कहा जाता है क्षण भंगुर। भंगुर का मतलब जो टूट टूट के टुकड़े हो जाता है कांच के समान। क्षण भंगुर का मतलब वह चीज जो क्षण भर के लिए है और उसके बाद टुकड़े 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 हो जाती है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, मेरा और आपका जीवन क्षण भंगुर है। जब हम अनादि और अनंत की बात सोचते हैं तो उसके सामने 100 या 120 कुछ भी नहीं है। अनंत का मतलब क्या है? 1 करोड़ साल? नहीं। 100 करोड़? नहीं। 1000 करोड़? नहीं। 1 लाख करोड़? नहीं। 1 करोड़ करोड़? नहीं। 1 करोड़ करोड़ साल के बाद भी अनंत काल का सिर्फ आरंभ हुआ है। उसकी तुलना में मेरा आपका जीवन क्षण भंगुर है। बस मनुष्य को जो एक जीवन मिला है, इस जीवन में उसको इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए कि उसका रूपांतर हो गया है, जिसके कारण आने वाले दिनों में जब वो इस संसार को छोड़कर चला जाएगा तब शाश्वत जीवन में प्रवेश करेगा। शाश्वत काल तक वो अपने सृष्टा प्रभु के साथ रहेगा। इस हॉल को छोड़कर जाने से पहले इस बात का यकीन कर लें, हम यहाँ इस सभा को समाप्त करने के बाद चाय पानी का समय होगा, सब लोग बाहर चले जाएंगे। उसके बाद जो लोग इन बातों के बारे में बात करना चाहते हैं मुझसे आकर मिलिए। मेरे पास और भी भाई लोग होंगे जो आपको इन बातों के बारे में विस्तार से समझाएंगे। कोई भी बात जब पहली बार सुनते हैं या दूसरी बार सुनते हैं तब हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन ये समझाने के लिए यहाँ कई लोग उत्सुक यहाँ उपलब्ध हैं जिनसे इन बातों को सुनकर ही यहाँ से जाएं। ये बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, दो बातों को भूल मत। नंबर 1 मौत को, दूसरा प्रभु को। हम सब बहुत व्यस्त रहते हैं लेकिन याद रखें, जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, फुर्सत निकालना होगा। हर संडे शाम को हम यहाँ पर सत्संग के लिए एकत्रित होते हैं। हफ्ते में एक बार इस तरह से समय निकालकर सत्संग के लिए आएं, हमको खुशी होगी, सभी दोस्तों को खुशी होगी, आत्मिक जीवन में प्रभु का अनुग्रह मिलेगा। आज प्रभु ने इस तरह से आने के लिए हमको जो मौका दिया है उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। भाई संतोष से अनुरोध है कि वे आगे आकर प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें और इस मीटिंग को समाप्त करें।